तो दोस्तों 1.5 GB वाले में पहला जो रिचार्ज प्लान है एयरटेल कंपनी का, वह 299 रुपये का हो चुका है। पहले ये प्लान 200 रुपये लगभग था, अब यह 100 रुपये लगभग और बढ़ चुका है, यानी 299 इस प्लान का प्राइस हो चुका है। तो दोस्तों इस प्लान में 1.5 GB इंटरनेट आपको डेली मिलता है। कॉलिंग की बात करेंगे तो अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। वैलिडिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 28 दिन की वैलिडिटी कॉल मिल जाती है। SMS की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 SMS इसमें देखने को मिल रहे हैं। एडिशनल बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो मिल रहा है, फ्री वीक म्यूजिक ऐप वो मिल रहा है, फ्री हेलो TV मिल रही है, अपोलो सर्कल शो यहाँ पर जो है शो स्किल का यहाँ पर जो है अकेडमी वगैरह का वो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको फास्टैग का रिचार्ज वगैरह ये 6 की 6 चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको 1.5 GB डाटा डेली चाहिए, 28 दिन तक आपको सिर्फ 1.5 GB इंटरनेट यूज करना है यानी 1 महीने के लिए, तो फिर आप ये 299 रुपये वाला रिचार्ज प्लान करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो ये रिचार्ज प्लान करवाएं, अन्यथा आप ये रिचार्ज बिल्कुल भी ना करवाएं, किसी दूसरे प्लान की तरफ गौर कर सकते हैं। दोस्तों 1.5 GB वाले रिचार्ज प्लान में दूसरा जो रिचार्ज प्लान है वह 56 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है, वह 479 रुपये का यानी 480 रुपये है। ये प्लान पहले 300 कुछ रुपये था, 400 रुपये करीब था, अब ये 500 रुपये लगभग हो चुका है। तो इस प्लान का प्राइस जो है 479 रुपये कंपनी ने अब कर दिया है। 479 रुपये वाले इस रिचार्ज प्लान में डेली आपको 1.5 GB इंटरनेट मिलेगा और ये इंटरनेट जो है आपको 56 दिन तक डेली मिलता रहेगा। अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें आप कर सकते हैं, 100 SMS इसमें आप डेली यूज कर सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट की बात करूँगा, यहाँ पर आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, विंक म्यूजिक है, फ्री हेलो ट्यून, साथ ही यहाँ पर आपको अपोलो सर्कल का वो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, शो अकेडमी अप स्किल वगैरह का कोर्स मिल जाता है और फास्टैग का कैशबैक का 100 रुपये का कैशबैक इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला रिचार्ज करवाना है तो आप ये वाला रिचार्ज भी करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लान ये भी है। लेकिन इसमें बात यहाँ पर आपको बस ये याद रखनी है, अगर आपको इंटरनेट ज़्यादा चाहिए 1.5 GB तो फिर आप ये वाला रिचार्ज करवाएं, नहीं चाहिए ज़्यादा तो फिर 1 GB वाला करवाएं, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, या फिर आपका बजट कम है उस हिसाब से करवाएं जो आपको पसंद हो। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो ही ये रिचार्ज प्लान करवाएं, अन्यथा आप दूसरा रिचार्ज प्लान भी करवा सकते हैं। जो रिचार्ज प्लान है वह भी इसी तरह से है, 3 GB 1.5 GB वाला रिचार्ज प्लान 3 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। अब उस प्लान का प्राइस पहले 600 रुपये कुछ था, अब 720 रुपये लगभग हो चुका है। तो 719 रुपये इस प्लान का प्राइस कंपनी ने अब कर दिया है। 719 रुपये वाले इस रिचार्ज प्लान में कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। इंटरनेट की बात करें तो यहाँ पर आपको डेली 1.5 GB इंटरनेट इस प्लान में मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको इस प्लान की जो वैलिडिटी है वह 84 दिन यहाँ पर हो गई है, यानी 3 महीने से 6 दिन कम है। और SMS की बात करेंगे, यहाँ पर आपको 100 SMS इस प्लान में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं, अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता है, फास्टैग का 100 रुपये कैशबैक मिल जाता है, आप इसके लिए का यहाँ पर जो है कोर्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, अपोलो सर्कल वगैरह का मिल जाता है, फ्री हेलो ट्यून मिल जाती है और विंक म्यूजिक ऐप इनका सब्सक्रिप्शन इस प्लान में मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको डेली 1.5 GB चाहिए, 3 महीने के लिए रिचार्ज करवाना है तो ये प्लान आपको करना है रिचार्ज, अन्यथा आप ये वाले रिचार्ज प्लान को अवॉइड करें, दूसरे रिचार्ज प्लान की तरफ गौर करें। तो दोस्तों अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो ये वाला रिचार्ज प्लान करवाएं, अन्यथा आप किसी दूसरे रिचार्ज प्लान की तरफ भी गौर कर सकते हैं।